सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास सिक्स का क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच है हमारे पास, ए बी रेखा के समानांतर एक रेखा बाहर दिए हुए बिंदु K पर खींचिए। ए बी रेखा के बाहर दिए हुए बिंदु से ए बी रेखा के समानांतर एक रेखा खींचिए। हमारे पास ये अगर ये ए बी रेखा दी हुई है तो इसी के समानांतर हमने एक रेखा खींचनी है के बिंदु के ऊपर। ये जो रेखा है ये समानांतर होनी चाहिए, मतलब इनके जो बीच का अंतर है वो हमारे पास समान होना चाहिए। जितना यहां है उतना ही इधर होना चाहिए, उतना ही इधर होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसी को समानांतर रेखा कहते हैं। तो हम करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। ए बी रेखा आपने मध्य में जैसे ले ली है क्योंकि आधा क्वेश्चन नीचे को जाएगा, आधा क्वेश्चन रेखा से ऊपर की तरफ होगा। ए बी रेखा के बाहर हमारे पास इस क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं कि के बिंदु हमारे पास लगभग मध्य में दिया हुआ है, लगभग मध्य में दिया है। इसमें हमारे पास प्रश्न में तो नहीं कहा है, पर अगर हमारे पास मध्य में दिया हो तब इस फॉर्मूले को प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे पास के बिंदु हमारे पास समानांतर रेखा खींचनी है, बिंदु हमारे पास लगभग सिरे के ऊपर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो हमारे पास, हम कल उसको स्टडी करेंगे। ए से के तक चाप रखी जाती है, के से ए तक पर काट रखी जाती है और इसका साइन लेके इधर काट दिया जाता है। तो ये हमारे पास उस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला कारगर रहता है जहां पे हमारे पास के बिंदु ए बी रेखा के लगभग सिरे के ऊपर दिया हुआ है। तो हमारे पास जब समानांतर रेखा खींचनी हो तब इस क्वेश्चन का उपयोग किया जाता है, इस मेथड का उपयोग किया जाता है। जबकि ए बी रेखा के लगभग मध्य में आपने के बिंदु लिया है तो उसके लिए हमारे पास जो कारगर जो मेथड होता है वो हमारे पास जो अभी समझने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना। तो ये हमारे पास ए बी रेखा दी हुई है और बाहर के बिंदु लगभग मध्य में ले लिया हमने। तो के बिंदु से हमने लंब गिराना होता है, तो हमने लंब गिराने का हमने क्वेश्चन नंबर दो में हमने ये देखा है कि क्वेश्चन नंबर दो में हमने लंब गिराने का फॉर्मूला था के बी प्रकार रखी और अपनी मर्जी से खोल के एक चाप लगा दी जो ए बी रेखा को कहीं पे भी दो बिंदुओं के ऊपर काटेगी। ये हिलना नहीं चाहिए, आपका जो पॉइंट है ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। तो अब ये जो चाप है ए बी रेखा को जिन जिन बिंदुओं पे काट रही है उनके हम नाम रख लेते हैं। की के बाद आता है एल और एम, दो बिंदु आ गए हमारे पास जहां पे हमने ये ए बी रेखा को इस चाप ने काटा था। अब L से भी उतनी ही चाप नीचे की तरफ काट दीजिए और M से भी उतनी ही चाप नीचे की तरफ काट दीजिए। जहां ये आपस में काटती हैं, उनका नाम M के बाद आ गया N बिंदु। K और N को आपस में मिला दीजिए। पर जब हमने लंब गिराया था क्वेश्चन नंबर दो में तो उसमें क्या था कि हमने ऊपर वाला जो आंसर था हमारे पास ये लंब था तो ये हमने पक्का लिया था। इस टाइम हमारे पास ये उत्तर नहीं है, तो उत्तर नहीं है तो हमारे पास ये रचना की तरह आएगा, क्रिया की, मतलब कि आपकी बिंदुदार आएगी ये रेखा। अब ये जहां इसने काटा मध्य में, इसका नाम हमने ओ रख दिया। एन के बाद आया ओ, ओ से के तक हमने प्रकार खोल लिए, ओ से के तक हमने प्रकार का साइज ले लिया कि इसकी हाइट कितनी है। कभी भी किसी चीज की भी हाइट हमने देखनी हो तो 90 डिग्री के ऊपर देखी जाती है। अब हमारी इस रेखा से के तक की जो दूरी थी वो हमारे पास ओ के बराबर है, ओ के बराबर हमने प्रकार रखनी है और एल बिंदु से भी चाप लगा देनी है। चाप भी डॉटेड में है और उसी तरह से हमने एम बिंदु के ऊपर भी प्रकार रखे, ये चाप लगा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे इसमें टॉप बिंदु आ गए आपके पास, एक चाप बिंदु यहां है एक चाप बिंदु यहां पे है जो लग रहा है कि इस चाप का सबसे ऊपर वाले बिंदु है। तो हम उनके नाम रख लेते हैं। ओ के बाद आता है हमारे पास पी और यह आता है क्यू।
पी और क्यू को आपस में मिला देना है और ये के से गुजरती हुई ही ये रेखा जाएगी। तो इनको आपस में मिला दिया, ये हमारी उत्तर की रेखा है, ये अन्य रेखाओं से गहरी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यही हमारे पास उत्तर है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ये समानांतर है। जब हमने इसका डिस्टेंस इतना ही लिया हुआ, यहां पे भी इतना ही है, यहां पे भी इतना ही होगा और इनके जो बीच का डिस्टेंस है हर जगह समान है, तो यही ए बी रेखा के समानांतर के बिंदु के ऊपर एक ए बी रेखा के समानांतर रेखा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन। अब समानांतर रेखा वही होती है जो कभी आपस में जिनके जो बीच का अंतर है वो समान रहता है। तो हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, सेट स्क्वायर का इस्तेमाल भी सीख जाएंगे क्योंकि सेट स्क्वायर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना है, तो इसका इस्तेमाल हमारे को आना चाहिए। ए बी रेखा के ऊपर हमने सेट स्क्वायर की दो साइड्स देखनी जहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है। एक साइड हमने क्या किया हुआ है, ए बी रेखा के साथ रखनी है, जहां काउंटिंग लिखी हुई है वो हमने ए बी रेखा के ऊपर रखनी है और दूसरी साइड हम जहां काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 करके इस साइड हमने स्केल लगा देना है। अब इसको या तो इसके साथ रिसीट के ऊपर ले जाए, नहीं तो जहां पे के बिंदु है वहां पे सीधे ही ले जाके रख दो। रख दिया, इसमें एक बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास देख रहे होंगे आप, ये इसके ही समानांतर, इसमें जो अंतर है यहां कोई गैप नहीं है, यहां भी कोई गैप नहीं है और ये ए बी रेखा के ही समानांतर है। तो हमारा आंसर सही आ गया है। तो आपसे उम्मीद करूंगा मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।